कदम डाल दिया है। और देखा ही है कि खा के किरण लगे है। तो गाइस अब देखो अयाज जो मेरा फेवरेट खा रहा है चोकोलावा केक जो मैंने अपने लिए मंगाया था। इसलिए मुझे निकलना है और फोन आ रहा है वहाँ से कि आप जल्दी आओ मतलब ये कर रहे हैं फोन, तो मैं निकल रही हूँ बस गुड मॉर्निंग बोलने के लिए। मैं रुकी हुई थी बस अभयांश को तैयार करूंगी और निकलूंगी और मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने के लिए। और श्रुति मतलब पहला आदमी है जो अयांश के रिजल्ट के खुशी में बना रही है कुछ अयांश के लिए स्पेशल। उसके लिए मैं चौमिन पास्ता मिक्स करके बना रही हूँ, वो भी एकदम वैसा जैसा उसको पसंद है, प्लेन वाला बिना किसी वेजीज के। तो वेजीज डालूंगी बट वो हम लोग के लिए रहेगा, उसके लिए पूरा प्लेन बनाने वाली हूँ। तो पहला आखिरकार उसका पहला पीटीएम है भाई, तो कुछ स्पेशल तो होना चाहिए ना उसके लिए। तो अभी मैं दिखाती हूँ कि अयांश कैसे तैयार हो रहा है। तो गाइस जैसा कि आप लोगों को पता है आज अयांश का पीटीएम है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, और ये आहाना जो है वो टीवी देख रही है। क्या अयांश कुछ बोल रहा था? हाँ बेटा बोल रहा था मम्मा मेरे साथ रहेगी। हाँ हाँ मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। साथ ही रहेगी बल्ले। तुमको डर नहीं लग रहा रिजल्ट आ रहा था? खुश है इससे कि मम्मी साथ में रहेगी, उसे रिजल्ट का कोई डर नहीं। और देखिए गाइस ये तैयार हो गया है, अब लास्ट बस इसको शूज पहनना है। पापा भी छोटे पापा आ गए ना। हाँ हाँ चलो खुश रहो बेटा, ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा जाएगा एग्जाम। एग्जाम तो जा चुका है मतलब सॉरी रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा रिजल्ट। और ये गया है आहाना को चुम्मा लेने के लिए। जल्दी जाओ मम्मी गुस्सा करेगी, जल्दी जाओ, इसका सूलेस बांध दीजिएगा अच्छे से। तो एन मौके पे ये आ गए हैं। अरे वाह एग लेके आए हैं, एग लेके आए हैं और क्या उधर गाजर बीट है ना, और जिसके वजह से अब भाभी जो है वो स्कूटी के साथ जा सकती है। बाय बाय, मस्त रिजल्ट होएगा। अच्छा ठीक है हम जाते हैं बाहर देखते हैं। लेस खुल गया क्या? अयांश का लेस का प्रॉब्लम है मेरी तरह। तो गाइस देखिए अयांश का लेस शूज का जो लेस का प्रॉब्लम जो है ना मेरी तरह है, और वह डॉग फाइट चल रही है गाइस, देख सकते हो डॉग फाइट चल रही है। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। टेस्टी दिख रहा है और अब मैं इनको देने वाली हूँ और ये खा के बताएंगे कि ये कैसा बना है। तो ये लीजिए खा के बताइए कैसा। तो गाइस खा के बताते हैं कि ये कैसा बना है। ठीक है खाइए। कैसा है ऑनेस्टली? बहुत जबरदस्त बना है। हाँ। गाइस नमक
नमक मक सब बहुत सही है। तो गाइस देखिए ये दोनों आ गए हैं, बताइए कि कैसा रहा इसका रिजल्ट। आयांश बताएगा कैसे, आयांश कैसा रिजल्ट, मैम लोग के पास रिप्लाई कैसे किए। तो आयांश बहुत अच्छा मार्क्स लाया है, मैम बहुत हैप्पी थी, बहुत खुश थी। आयना भैया बहुत खुश था। रिजल्ट दिया नहीं? नहीं रिजल्ट दिया नहीं आता, फाइनल में दिया जाएगा। अच्छा। अभी रिजल्ट फाइनल थोड़ी था, सिर्फ दिखा के रख लिया। तो पहला बार आयांश एग्जाम दिया और आयांश बहुत अच्छा मार्क्स लाया है। पार्टी मिठाई तो लेके आना था कम से कम। मिठाई क्यों नहीं लाया तुम? मिठाई मिठाई है, पापा को फोन करो, बोले पापा मेरे उधर से आना, तो क्या खाएगी बोलो, क्या खाना है, क्या खाना है? काजू कतली। काजू कतली, हाँ काजू कतली मेरा और आयांश का फेवरेट मिठाई है काजू कतली। पापा उधर से काजू कतली लेते हैं, ठीक से बैठो। गाइस इसका रिजल्ट आ गया, टूटू के लिए जो नाश्ता बनाया है वो लेके आते हैं। क्या हम लोग के लिए ना काजू कतली लेते आइएगा, दो गो नहीं, अरे आयान जो अच्छा मार्क्स लाया ना तो उधर से आइएगा तो मिठाई लेते आइएगा काजू कतली, ठीक है? क्योंकि ये छोटी मम्मी को बोल के गया था आएंगे तो तुम्हारे लिए कुछ लेके आएंगे, ठीक है? तो बाय 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 पापा। तो अब मिठाई भी आ जाएगा। बहुत लोग कहते थे कि आयांश तो सिर्फ ब्लॉगिंग करता है तो पढ़ाई कब करता होगा पता नहीं। सब लोग इवन हमको भी बोला जाता था कि छोटी मम्मी सिर्फ इसको एक्टिंग सिखा रही है, पढ़ाई नहीं सिखा रही है। तो गाइस आएंगे तो रिजल्ट भी जरूर दिखाऊंगी, क्योंकि हम लोगों को वहाँ पर सिर्फ फोटो खींचने के लिए दिया गया ताकि आप रिजल्ट नहीं ले जा सकते, तो जब तक फाइनल होगा तब हम लोग को रिजल्ट मिलेगा। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आयांश बहुत शॉर्ट टाइम पे बहुत शॉर्ट मतलब बहुत कम पढ़ा था, तो बहुत कम पढ़ा था और मैंने जितना पढ़ाया था अभी हम लोग को जो कॉपीज वगैरह दिखाया गया तो जो ये पढ़ा था सेम लिखा है, ऐसा नहीं कि कोई गलत लिख के आया है, सब अच्छा से लिखा, बस थोड़ा सा कलर का थोड़ा सा इसको प्रॉब्लम हो गया था, बाकी सारा बहुत अच्छा था, ऑरल वगैरह सब बहुत अच्छा था। मैम ने बहुत अच्छे से इसको प्यार किया, टॉफी दिया, बहुत टॉफी भी मिला। हाँ मैंने आते वक्त भी इसके फेवरेट जूस पिलाया है, सब कुछ मतलब बहुत खुश था। इनफैक्ट मैं बहुत खुश हूँ कि बहुत लोग कहते थे कि आयांश पढ़ाई नहीं करता, लेकिन आयांश पढ़ाई करता है। तो गाइस अब भाभी खा के बताएगी कि कैसा बना है, खा के बताइए जल्दी। कैसा बना है सच एकदम ऑनेस्टली बताइए। यम्मी यम्मी बहुत अच्छा, कुछ कम बेसी है कुछ नहीं, ठीक है ना? हम तीखा और करते हैं क्योंकि बिक्की को देने के बाद हम फिर से चढ़ाई कराई में। अच्छा। लेकिन फिर मिर्ची ही नहीं था। तो तुम खा के बताओ तुम्हारा कैसा है। नहीं, नहीं, चुटकी देखो तुम नहीं खाओगे तो चुटकी खा जाएगी। कैसा है? और टूटू वाला तो सिंपल बनाया है, सिर्फ पास्ता मसाला डाल के। बताओ ना बेटा कैसा है, जल्दी बताओ। बताने का मौका नहीं मिल रहा है, मतलब इतना टेस्टी खाते जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा लगा, मतलब टूटू को अच्छा लगता है ना तो हमको लगता है कि मेरा बनाया हुआ सफल हो गया। और ये देखो लाइट भी चला गया। टूटू ने मेरे को बोला, मेरे को हाँ भाभी को भी तो हम भी खा लेते हैं, इन लोगों को देख के हमको भी भूख लग गया। नहीं नहीं खाया, इधर उधर में इधर सब गए थे, सॉस नहीं था, फिर गए दुकान सॉस लाने के लिए, इसी में लेट हो गया हमको। फिर इसको खाना खिलाए, इनको नाश्ता करवाए, पप्पा को नाश्ता करवाए, उन सब में लेट हो गया। अब हम खा लेते हैं जल्दी से, बहुत टाइम हो गया। देखिए गाइस एक बज गया है। मिठाई ले लो, मिठाई ठंडी ठंडी गरम वाली मिठाई। तो आयांश पहले पापा को प्रणाम करो। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। अरे मिठाई नीचे रख दिया। तो तोती वाली सबको खिला, खुश रहो बेटा, खुश रहो खुश रहो। खिलाया छोटी मम्मी के लिए काजू कतली, बाप ले बाप। तो आया छोटी मम्मी को खिला। तो आयांश अब तो ये तो बताओ क्यों खिला रहे हो? Yeah.
बाबा को खिलाओ, बाबा को खिलाओ, हाँ को खिलाओ, हाँ खिलाए, अरे दो दे दो बाबा, बाबा को खिलाओ, हाँ बहुत अच्छा मार्क्स लाया भाई, चुटकी को खिलाओ, चुटकी को पप्पू चुटकी को खिलाओ, इधर देखो इधर, अपने हाथ से पूरा खिलाओ, पूरा दो ना उसके हाथ में, ऐसा छोटा से खिलाया उसको, अरे ऐसे खिलाओ ना अपने, वो देख लो क्या करेगी, क्या करती है, दांत तो है नहीं, काट ली, हाँ तो कोई बात नहीं, गल 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 जाएगा, कितना बड़ा काटी है, अरे बाप रे, तो गाइज आयांश पूरा जिद कर रहा है कि मुझे पैरोट चाहिए चाहिए, और बहुत तंग करने लगा, रोने भी लगा, डिजर्विंग है, तो मैंने सोचा कि चलो देखते हैं अगर होगा तो ले लेंगे, तो मैं जा रही हूँ अभी आयांश के लिए लाने के लिए पैरोट, अगर पैरोट मिल गया तो ले लूँगी, और नहीं मिला तो आयांश की गई, तो फिलहाल तो बाइक है तो उसके लिए तो तुम्हें पिंजरा भी खरीदना होगा, पहले पिंजरा खरीद लेंगे, हाँ लेकिन एक बार प्रॉमिस करो फिर तुम उसको उड़ा दोगे, ज्यादा दिन रखोगे नहीं, प्रॉमिस पक्का, ये फूल का कसम, अरे यार चल, लाने कौन जाएगा, पार्टी पार्टी पार्टी, ये दोनों में पिज्जा के लिए लड़ाई होता ही होता है, नो डाउट, तो ये आ चुका है हमारा पिज्जा, टन टन आ गया है हमारा टेस्टी वाला पिज्जा, और एक तो आयांश ले लेगा और एक से हम और भाभी खाएंगे, और इसमें देखिए क्या है, श्रुति का फेवरेट चोकोलावा केक, ठीक है तुम्हारा ही है, नहीं खाएंगे, ठीक है तुम्हारा है भैया, और सब आयांश का है, हमारा पिज्जा, यस इसमें भी है, दोनों सेम ही है, तो गाइस अब जल्दी से खा लेते हैं, मुझे तो बहुत भूख लग रही है, तो क्या पार्टी शुरू की जाए, और ये हाँ देखो वहाँ भी एक चीज छुपा लिया, अरे हाँ, ये तो छुपी है, तो क्या पार्टी शुरू की जाए, जब देखो आयांश जो है वो मेरा फेवरेट खा रहा है चोकोलावा केक जो मैंने अपने लिए मंगाया था पर ये खा रहा है मुझे नहीं दे रहा है गौर से देखिए इस बच्चे को देखिए मुझे ललचा ललचा के खा ये लड़की को देखिए लास्ट में आयांश से छीन कर ये चोकोलावा खा ही गई आखिर ये लड़की क्या चाहती थी देखिए लास्ट में दोनों में चोकोलावा के लिए लड़ाई हो पड़ी है कि यार ये चोकोलावा लेके भाग रहा है तो गाइस हमारा पार्सल आ गया है बाबू पापा को देख के खुश हूं तो गाइस मैं दिखाती हूँ आपको श्रुति क्या कर रही हो क्या बताएं दोस्तों हम लोग
लोग जैसा आदमी आप धरती पे नहीं पाओगे। ममता दीदी जब खाना बना के चली गई तब हम लोग को दिमाग में आया कि हम लोग को खाना क्या है। हाँ। और उसके बाद हमको पता चला कि हम लोग को रोटी भी बनाना है। इसका डिटेल में आपको भाई बताएगी कि क्या हुआ हम लोग के साथ। एक्चुअली तो गाइस एक्चुअली बात ये हुआ है कि हम लोग सोचे थे कि आज चिकन का पार्टी कर देंगे, आयांस का रिजल्ट निकल लेगा खुशी में, लेकिन फिर हम लोग सोचे कि आज चिकन नहीं खाया जाए, कल चिकन खाएंगे, तो आज कुछ वेजिटेरियन मंगा लेते हैं। तो वेजिटेरियन के चक्कर में हम लोग कंफ्यूज हो गए कि क्या खाएं। और विक्की आए रात को 10 बजे। हाँ। तो हम लोग बैठे, तब तक ममता दीदी जो थी वो काम करके वो जा चुकी थी, और जब तक डिसाइड हुआ कि हम लोग को क्या खाना है। हाँ। तब तक सारा चिड़िया उड़ गया था, मतलब ममता दीदी घर पहुंच गई थी। उसके बची दो गो चिड़िया। हाँ। यही दोनों चिड़िया मिलके आटा सान रही है, रोटी बना रही है। और फिर बाद में एक बात और भी पता चली कि इन लोगों को कहीं जाना भी था, पकड़ना इसको, जाना भी था। तो ये देखिए हम लोग का पार्सल आ चुका है। हम लोग दो प्लेट पनीर चिल्ली भी ऑर्डर कर लिए। हाँ। और खाने वाले बस हम दोनों हैं। हम दोनों हैं तो अब वो दोनों तो चल गए, उन लोगों की भी पार्टी थी, मतलब पैसे भी खर्चे हुए। हाँ। रोटी भी बनाना पड़ा। हाँ। वो लोग बाहर जाके खा रहे हैं। हाँ। और वो लोग बाहर खा रहे हैं और हम लोग घर पे खाएंगे। अब ये हम लोग खाएंगे और बेचारे लोग बाहर चले गए। तो हम, मैं आयांश और श्रुति, तो ये हम लोग के साथ अक्सर ये पोपट होता रहता है। पर ये बड़ा वाला बस ये थोड़ा बड़ा वाला पोपट था। 1 2 3 गजब डांस दिखाया। तो गाइस हम लोग पोपट होने के बाद पहुंच चुके हैं अपने डिनर के तरफ, और गजब की हम लोग की पोपट गिरी हुई है, और ये लोग खा के भी आ चुके हैं। हम और श्रुति बात करने में रह गए, रोटी बनाने के बाद श्रुति हम दोनों बात करते रह गए। तो आप पहुंच चुके हैं, देखते हैं इसका टेस्ट अच्छा है या नहीं है, या फिर से पोपट होने वाला है हम लोगों का। तो क्या ऑर्डर किया है? हम लोग पनीर बटर मसाला, अच्छा पनीर चिल्ली कर देते हैं। हाँ। अरे मटर पनीर है बस। हाँ, पनीर पनीर है। मटर पनीर, मटर पनीर, मटर पनीर। कि मैं आया है तो जिएंगे, खाएंगे, घूमेंगे। आदमी कमाता क्यों है खाने के लिए ना, बस यही दो चीज होता है प्राइमरी लाइफ का, घूमना और खाना। क्या करना, जो हम लोग वेज की तरफ है, और वेज भी हम लोगों को खाना चाहिए। बहुत प्यार से हम लोगों ने वेज ऑर्डर किया, और देखो कितनी लजीज लग रही है। तो आज आप लोगों को पता भी है क्या जितिया भी है, तो अभी तो हम लोग जितिया स्टार्ट नहीं किए हैं, बट हम लोग बहुत जल्दी जितिया पर्व शुरू करने वाले हैं। तो देखो कितना लजीज लग रहा है। और ये हम लोग कहाँ से ऑर्डर किए हैं? कामधेनु। कामधेनु से ऑर्डर किए। तो हम लोग ये जो ऑर्डर किए हैं वो कामधेनु से किए हैं, और बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। तो आज हम लोग वेज खाने वाले, वेज थाली हम लोग का होने वाला है, और ऐसा सब पोपट होते रहना चाहिए ताकि हम लोग वेज खा सके, वेज खा सके। वरना आप लोगों को तो पता ही, ज्यादातर हम लोग वही खाते हैं। तो वेज वाला भी आइटम बड़ा मस्त है एकदम। तो अभी थाली में परोसते हैं और देखते हैं थाली में खाने के बाद इसका टेस्ट क्या है। ठीक है, ठीक है। तो आना हल्ला करती हुई, एक मटर हम लोग का देखिए यहाँ चला आया है, पूछा है, और देखा ही है कि खा के किरण लगे है। रोटियां एकदम पतली पतली, और हमने फरमाइश की थी श्रुति को एकदम पतली पतली रोटी बनाना, जिसमें पतली पतली रोटी है, परोसा जाए और खा के देखा जाए कि इसका टेस्ट क्या है। तो पहले खा लेते हैं, ट्राई मार के देखते हैं। तो देखो ये जो है, ठीक है, सच बोलिए, कामधेनु भी पास कर गए हैं, बट कामधेनु थोड़े से पीछे रह गए, थोड़ी और मेहनत करने की दरकार है इसमें। कलर थोड़ा अजीब सा है ना। हाँ, कलर भी थोड़ा उभर के नहीं आया है, और प्लस इसमें थोड़ा टेस्ट की भी कमी है। जो हम लोग कैलाश का खाते हैं, जो हम लोग कहाँ खाते हैं का खाते हैं, वो नाम अगर कैफे स्पाइस, तो रियली में उसका खाना बहुत टेस्टी है, अभी तक में हमको सबसे बेस्ट लगा है। इस पे थोड़ी काम होने की और दरकार है, फिनिशिंग थोड़ा कम, तो मुझे तो ठीक लगा। अब श्रुति खा के बताएगी कि कैसा है, खा लेते हैं। और इसमें मैं इसको मैं दूंगी 10 में 8। वो श्रुति की पारी है, और श्रुति टेस्ट करके बताएगी कि कैसा है। हाँ। तो बड़ा उठाइए, इतना छोटा उठाते हैं। हाँ। उतना अच्छा नहीं है, स्पाइस
स्पाइसी तो बिल्कुल भी नहीं, एकदम नहीं है, थोड़ा मीठापन लग रहा है, मीठा और इसका टेक्सचर थोड़ा सा अजीब है, पता ना ज्यादा बटरी टाइप से थोड़ा सा, इस वजह से हमको उतना अच्छा नहीं लगा। हाँ, ये इनको पसंद आएगा, हमको ऐसा वाला पनीर मटर पनीर नहीं पसंद है। तो श्रुति इसको दी है, इसको कितना दोगी? 10 में से इसको हम 6 देंगे, नहीं अच्छा लग रहा है, क्या करें बताइए दोस्तों। एक तो रात के मेरे से अभी सब्जी मंगा दिया, बताइए ऐसे थोड़ी होता है। तो गाइस श्रुति आज भूल चुकी थी कि आज जितिया भी है, तो श्रुति को बाद में याद आया आज तो जितिया है, तो हम लोग ये कुछ कर भी नहीं सकते हैं। आयांश को प्रॉमिस किया था, हाँ, चिकन खाने का मन था, तो मैंने बोला था कि ठीक है खिला देंगे, बट जितिया है तो आज तो नॉनवेज खा नहीं सकते थे, तो इसीलिए अब कल देंगे और आज हमको यही खाना पड़ेगा। आपको तो अब यही खाना पड़ेगा महिला, अब यही खाना पड़ेगा। शाम में इतना टेस्टी चीज खाए पिज्जा, इससे अच्छा वही खा लेते हैं। तो गाइस हम लोग खाना खा चुके हैं, हम लोग का डिनर हो चुका है और आज का डिनर हम लोग जो सोचे थे वो हुआ नहीं, लेकिन बहुत मजेदार रहा, फिर भी बहुत मजेदार रहा। तो अभी वो कहाँ पहुँचे? कहीं नहीं, गुड नाइट सोने के लिए जाएंगे। खट्टा हो चुका है, आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, आप लोग हमारे ब्लॉग को आजकल देख नहीं रहे हो, व्यूज घट गया है, तो आप लोग प्लीज हमारे ब्लॉग को देखा कीजिए। और अगर आपको हमारे चैनल पर न्यू है, फर्स्ट टाइम आया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए, और फिर हमसे मिलेंगे नेक्स्ट डे नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, जय हिंद।